नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। देखिए ये एक लेजर गन है, शायद ये चीज पता नहीं आपको ये कहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये मेरे हाथ में, ये लेजर गन, ये दोस्तों रहता है फुजी फिल्म का जो फोटो मशीन है, वो छोटा मोटा फोटो लैब जो है उसके अंदर रहता है। ये ऐसा तीन मशीन जो लेजर गन है, ये ऐसा तीन गन रहता है जो कि रेड आता है, ग्रीन आता है और फिर ब्लू में आता है। तो तीन कलर यहाँ से लेजर के थ्रू यहाँ से बूस्ट होता है। और देखिए ये एक बीएनसी कनेक्टर लगा हुआ है, और फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोलर है, इस वायर में बहुत सारा कंट्रोलर है। तो दोस्तों इसमें क्या दिक्कत होता है, दरअसल इसमें कुछ खराब होने का कोई चीज ही नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक लेजर है और उसको ड्राइव करने के लिए एक, देखिए एक चिप लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए ये जो चिप लगा है इसमें, ये है प्रोग्राम चिप, मतलब इसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। तो दोस्तों ये वाला जो चिप ये खराब होता है दरअसल, तो दोस्तों हम लोग नया चिप यहाँ पे डालेंगे, वो भी हम लोग दिखाएंगे कैसे डालते हैं। और फिर दोस्तों ये है ग्रीन गन, तो मतलब इसमें ग्रीन कलर का जो लाइट होता है ये इसमें से प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों फोटो लैब के लिए ये बहुत ही काफी अच्छी चीज है, और फिर इसके सिवा वो फोटो लैब नहीं चलेगा, वो मशीन नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये जो इसका कंपनी है पैनासोनिक, देखिए इसका मॉडल नंबर है, देख लीजिए एक बार, EFLM200ALA1। ओके तो दोस्तों चलिए इसको एक बार हम लोग निकालेंगे, ये जो पुराना वाला है नया वाला दो, तो फिर दोस्तों वहां पे एक नया वाला आईसी डालेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, तब भी हम लोग ये सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो मेरा फॉलोअर्स है उसमें से अगर हुआ कोई फोटो लैब में काम करता है और फिर ऐसा प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उसका ब्लू या फिर रेड या फिर ग्रीन गन काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे में उसको चेंज करना पड़ता है, जो प्रोग्राम आईसी होता है चिप, इसको चेंज करना पड़ता है। तो चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं, देखिए इसको तो अभी ओपन कर दिया, अब इसमें नया डालना होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए आईसी का जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखना चाहिए होगा आपको, ये नया आईसी, ठीक है, ये देखिए पुराना, ये नया मैं डाला अभी, इसको थोड़ा बहुत हीट देके इसको यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। फिलहाल तो मैं लगा दिया इसको, लेकिन इसको अच्छे से आयरन की वजह से थोड़ा बहुत सोल्डरिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ता है, जो दिक्कत हो जाता है अगर फिर एक पॉइंट्स में सोल्डर अच्छे से नहीं लगा तो दोस्तों उसमें दिक्कत आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करके नया वाला आईसी लगाया, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ये नया वाला आईसी मैं डाला अभी। तो दोस्तों मैं इसको चेक करके आप लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसका जो मशीन है बहुत बड़ा सा है, और फिर दोस्तों एक रूम जैसा है मशीन, उसके अंदर ये लेजर गन रहता है, देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक ग्लास का पॉइंट है और ये है लेजर, और दोस्तों ये देखिए सेंसर इसमें से रिसीव होता है, ये जो सेंसर है दिखाई दे रहा है, इस सेंसर से रिसीव होता है, और देखिए ये जो बीएनसी है ये दूसरी मशीन में जाता है, ठीक है, फोटो जहाँ पे प्रिंट आउट होता है ना, बहुत सारा फोटो प्रिंट आउट होता है वहां पे एक मशीन है दूसरा, उस मशीन में ये जाता है। तो दोस्तों मेरे को भी नहीं पता ये क्या क्या होता है, लेकिन काफी अच्छा जानकारी है, वो मेरा एक भैया है, बड़े भैया,
उसको उससे पूछ के मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो दिक्कत हो रहा है लेकिन इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो गाली दीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज आने ले आने वाला हूँ ऐसा ही बहुत कुछ वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट।